प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को निमंत्रण दिया है। 2 दिवसीय प्रवास पर आए यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य ने शनिवार को इंदौर के संभागीय भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सामाजिक बंधुओं से मुलाकात की। इंदौर पहुंचे मौर्य का इंदौर भाजपा के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मौर्य ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह प्रार्थना की कि वे इस पवित्र आयोजन में पधारकर पुण्य का लाभ लें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भव्य कुंभ के लिए जो व्यवस्थाएं जुटाई है उसका मुआयना एक बार सभी लोगों को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से, मध्य प्रदेश की 23.5 करोड़ जनता को प्रयागराज कुंभ में आने, संगम में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। आप आए, बड़ी संख्या में लोगों के साथ आए, हम आपका स्वागत कर सके अपना सौभाग्य मानेंगे। शानदार हैं, पिछले कुंभ में 1350 करोड़ खर्च किए थे, इस बार हम 4300 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य और दिव्य कुंभ कर रहे हैं। अविरल और निर्मल गंगा मैया का वहाँ पे आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। मौर्य ने इस कुंभ में पधारने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के मुखिया कमलनाथ को भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि सभी बड़े नेताओं ने कुंभ में आने का आश्वासन दिया है। कमलनाथ जी ने कहा है कि आप परिवार के साथ आए और सभी लोगों ने यह आश्वस्त किया है कि प्रयागराज के मेले में सब आएंगे और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि आप सब भी आए। इंदौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। वहीं उन्होंने मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को कुंभ के दर्शन करने और उत्तर प्रदेश आने की अपील की। यूपी में पिछली बार हुए कुंभ में 1200 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ था, लेकिन इस बार कुंभ को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार मेले में 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के आगमन और स्वागत के लिए पूरी यूपी सरकार तत्पर है। यह कुंभ विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। We'll be right back.